नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल तथा इथर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अल्कोहल, फिनॉल तथा इथर का प्रथम भाग समझेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि अल्कोहल, फिनॉल तथा इथर का क्या परिचय होता है, जिसके बाद हम देखेंगे कि अल्कोहल, फिनॉल तथा इथर का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्कोहल, फिनॉल तथा इथर का परिचय क्या होता है। दोस्तों, जब एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का कोई हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है, तो इससे अल्कोहल तथा फिनॉल बनते हैं। दोस्तों, इन वर्गों का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में तथा उद्योगों में बहुत ही ज्यादा होता है। उदाहरण के तौर पर लकड़ी के फर्नीचर की पॉलिश में, वस्त्रों में प्रयोग कपास, लिखने के लिए कागज, समाचार पत्र, मुद्रा, नोट, चेक, प्रमाण पत्र, कोई भी पुस्तक, रुचिकर कहानियां वाली पत्रिकाएं इत्यादि सभी ओएच समूह यौगिकों से निर्मित होते हैं। दोस्तों, जब एल्केन में H के स्थान पर OH आता है, तो हम उसे एलिफैटिक अल्कोहल कहते हैं। जबकि जब बेंजीन में H के स्थान पर OH समूह जुड़ता है, तो हम इसे एरोमेटिक अल्कोहल कहते हैं, मतलब फिनॉल कहते हैं। दोस्तों, एल्कोक्सी तथा एरिलॉक्सी समूह द्वारा हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से यौगिकों का एक दूसरा वर्ग प्राप्त होता है, जिसे हम इथर कहते हैं। दोस्तों, इस अध्याय में हम तीन वर्गों के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है अल्कोहल, फिनॉल एवं इथर। दोस्तों, यौगिकों के वर्गीकरण से उनका अध्ययन क्रमबद्ध सरल हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अल्कोहल का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। दोस्तों, OH समूह की संख्या के आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा है डाइहाइड्रिक अल्कोहल तथा तीसरा है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है। दोस्तों, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में केवल एक OH समूह होता है। उदाहरण के तौर पर मिथेनॉल, फिनॉल इत्यादि। दूसरा है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, इसमें दो OH समूह होते हैं, उदाहरण के तौर पर इथिलीन ग्लाइकोल तथा बेंजीन 1,2-diol। तीसरा है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, इनमें तीन OH समूह होते हैं, उदाहरण के तौर पर क्रिस्डॉल तथा बेंजीन 1,2,4-triol। दोस्तों, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को पुनः निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पहला है वे यौगिक जिसमें COH आबंध sp3 संकृत होता है। दोस्तों, इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पहला है प्राथमिक अल्कोहल, दूसरा है द्वितीयक अल्कोहल तथा तीसरा है तृतीयक अल्कोहल। इन्हें 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल तथा 10 डिग्री अल्कोहल भी कहा जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। आगे है बेंजीलिक अल्कोहल। जब OH समूह बेंजीन वाले से जुड़े sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है, तो उन्हें बेंजीलिक अल्कोहल कहा जाता है। ये कुछ बेंजीलिक अल्कोहल के उदाहरण हैं। अगला है एलिलिक अल्कोहल। जब
OH समूह कार्बन कार्बन द्विबंध के निकटवर्ती उस कार्बन से जुड़ा होता है जिसका संकरण sp3 हो, तो उन्हें एलिलेट एल्कोहल कहा जाता है। ये कुछ उदाहरण एलिलेट एल्कोहल के हैं। अगला है यौगिक जिसमें COH बंध sp2 उपस्थित हो। दोस्तों, इन एल्कोहलों में OH समूह कार्बन कार्बन द्विक आबंध जैसे बाइनलिक कार्बन या एराइल कार्बन से जुड़ा होता है। इन्हें बाइनलिक एल्कोहल भी कहते हैं। बाइनलिक एल्कोहल को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिनोल को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों, फिनोल को भी हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के अनुसार मोनो, डाई, ट्राई हाइड्रिक फिनोलों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसा कि आप इस उदाहरण में देख सकती हैं। अगला है इथर। दोस्तों, इथरों में यदि ऑक्सीकरण परमाणु से जुड़े दोनों एल्काइल अथवा एराइल समूह एक समान हो तो उन्हें सरल अथवा समित इथर कहा जाता है, और यदि ये दोनों समूह भिन्न भिन्न हो तो इन्हें मिश्रित या असीमित इथर कहा जाता है। दोस्तों, इथरों को इन दोनों सरल अथवा असीमित समूहों द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों, डाइएथाइल इथर एक समित इथर है तथा डाइफिनाइल इथर एक असममित इथर है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने एल्कोहल, फिनॉल तथा इथर का परिचय देखा, जिसके बाद हमने एल्कोहल, फिनॉल तथा इथर के वर्गीकरण के बारे में जाना। दोस्तों, अगली वीडियो में हम एल्कोहल, फिनॉल तथा इथर के नाम पद्धति के बारे में जानेंगे, जिसके बाद हम देखेंगे कि प्रत्यात्मक समूहों की संरचनाएं क्या होती हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।